हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे तीन स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसमें आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आप एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तीन ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो फंडामेंटली, टेक्निकली या फाइनेंशियली, जो भी आप देख लो, बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा है। आप उसको अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख सकते हो बिल्कुल बेहिचक। लेकिन वो स्टॉक बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर इस क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिया तो पैसे आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। ऑटोमेटिक का मतलब, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आएंगे, अगर आप चाहते हो तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन नहीं भी चाहोगे तो भी आएगा। पहला क्वेश्चन, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को बोलते हैं कि भाई दिमाग लगा बेटा, दिमाग लगा, तब जाके अच्छा पढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। अब वही बच्चा पूछता है, पापा आप शेयर मार्केट में क्या लगाते हो? तो पापा उसका जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं कि मैं तो पैसा लगाता हूँ। आप देखिए, जब बच्चे की बारी आई तो बच्चों को क्या बताया जा रहा है कि आप दिमाग लगाओ, और खुद क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में हम क्यों नहीं दिमाग लगाते, क्यों पैसा लगाते हैं? और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग जो हैं दिमाग लगा लगा के ट्रेड करते हैं। बहुत लोग हैं जो फ्यूचर में, ऑप्शन में, इंट्राडे में काम करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर रेशियो, ठीक है, जितने लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 90-95% जो है अपना पैसा गंवा देते हैं शेयर मार्केट में, क्या करके, ट्रेड करके। लेकिन हमारे यहाँ क्या बताया जाता है आपको, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके पास क्यों नहीं 10,000 रुपीज़ हो या 50,000 रुपीज़ हो, बस आप उसको वैल्यू देना स्टार्ट करो। मतलब कि सबसे पहले उसको कहीं भी देने से पहले आप ये सोच कि मैं उस पैसे से क्या कर सकता हूं आगे आने वाले दिनों में। अगर मैं किसी कंपनी में लगाता हूं पैसा, तो उस कंपनी के बारे में पूरा सोचता हूं, देखना पड़ता है, सब कुछ चेक करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप पैसा लगाओ, तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है खटाक से डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज होगा, बस ये सोच के कि उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई बस तुम स्कूल जाओ, क्यों? ताकि तुमको डिग्री मिले, नौकरी मिले, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम क्यों बोलते हैं पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, तब जाके आपको जो है अच्छा से अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको एक अच्छा प्रोफेशनल जॉब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, मैंने इंटरनेट में सर्च मारा था कि हाउ मेनी पीपल गेट सक्सेसफुल, मतलब कि कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं ट्रेड करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90-95% लोग जो है फेल हो जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि आप इंटरनेट में सर्च मार के देखिए कितने लोग जो हैं सक्सेसफुल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में, तो अपोजिट आंसर आएगा। अपोजिट आंसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि 90-95% लोग जो है फेल होते हैं किसमें, ट्रेडिंग करने में। ठीक है, लेकिन अपोजिट आंसर आएगा कि 95% लोग जो हैं पास होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, मैंने तो एक आंसर आपको दिखा दिया गूगल में सर्च मार के, दूसरा आंसर आप भी गूगल में सर्च मार के देख सकते हो। और मैं अभी आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, एक एक कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों टॉप 3 शेयर में। ठीक है, और यह है फिक्स डिपॉजिट, नीचे वाला जो लाइन है दोस्तों वो फिक्स डिपॉजिट है, ऊपर वाला जो शेयर है दोस्तों वो है शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, SIP के मोड में करोगे। ठीक है, दोनों में हमने कितना किया, 800 के किया, 800 रुपीज़ हम बैंक में भी किए और 800 रुपीज़ हम शेयर मार्केट में भी किया। ठीक है, अब टाइम देख लीजिए, 25 साल बाद अगर हमें रिटर्न मिलता है 25% दोस्तों, शेयर मार्केट में 25% पर ईयर मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन बैंक में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 7% अगर आपको दे दिया तो बस बात खत्म होती है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों 7% ही आपको मिला किसमें, 25 साल में। ठीक है, और यहां पर टाइमिंग देख लीजिए, 25 की ऐसा रिटर्न देख लीजिए, 25% अगर आपको मिलता है शेयर में, और ये होता है फिक्स डिपॉजिट, तो आपके पास दोस्तों यहां पर देख सकते हो टोटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको जो है 1.31 करोड़ रुपये आपके पास मिलता, अगर आप जो है बैंक में अगर इन्वेस्टमेंट करते SIP के मोड में, तो आपको जो है कितना पैसा मिलता, टोटल 7 लाख रुपीज़ आपको मिलता। ठीक है, 7 लाख रुपीज़ ही आपको मिलता, और यहाँ पर देख सकते हो शेयर मार्केट में। तो ये क्या होता है, रिस्क हमारे पास ज़्यादा नहीं था, रिस्क थोड़ा ही था। क्यों? अगर हम करोड़ों रुपया कमाने के लिए कुछ रिस्क भी तो ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमने जो है जो पैसा खर्च किया उस पर हमने कुछ रिस्क ही नहीं लिया, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम पूरा जीवन भर भी अगर हम कितना भी कठिनाइयों का सामना करें, तो ये करोड़ों रुपया हमारे हाथ में नहीं आने वाला था। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया था, अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको बहुत ईजिली आपके हाथ में जो है स्टॉक मार्केट से आपको मिल जाता। ठीक है, अब ये देख लेते, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम अपना जो है बड़ा कर लेते हैं। ठीक है,
अब देख लीजिए शेयर मार्केट में आपने जो है टॉप 3 स्टॉक में पैसा लगाया, और ये है नीचे वाला फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। कितना किया दोस्तों, 5000 जो है हमने दोनों में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब टाइम रख लेते हैं 10 साल तक, 10 साल तक ही हमें इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। और रिटर्न मिलता है मान लेते हैं 25%, और फिक्स डिपॉजिट तो 7% ही मिलता है। और जो है हमें एनुअल रिटर्न जो मिलता है दोस्तों, हमने जो पैसा लगाया था तो 23 लाख रुपीज हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए किसमें, शेयर मार्केट में। लेकिन बैंक में कितना मिलता है दोस्तों, ओनली 8 लाख रुपीज, ठीक है। ओनली 8 लाख रुपया मिलता है किसमें, फिक्स डिपॉजिट में, और 23 लाख रुपया मिलता है शेयर मार्केट में। तो जहाँ तक हम रिटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 10 साल के अंदर करोड़पति बना देती है, लेकिन हमें सबसे पहले पैसा नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ईयर टिल डेट में हमें 48% का रिटर्न मिला है, 1 ईयर में 49% का रिटर्न मिला है। चलिए ये जो रिटर्न है बहुत अच्छा रिटर्न, ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन 2 साल में हमें क्या मिला, 8% मिला है, ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 4th ईयर में क्या मिला, 12%, 5 ईयर में क्या मिला, 33%। लेकिन 10 सालों में तो आपको बना दिया ना लखपति, करोड़पति नहीं लेकिन आपको पति तो बना दिया, अगर आपने थोड़ा भी पैसा इन्वेस्ट किया होता तो। आप देख लीजिए, तो ये होता है दोस्तों शेयर मार्केट का पावर। आप बैंक में 10 के जगह 20 साल भी रख लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और मैंने थंबनेल में ये भी बताया है कि आपको कितना पैसा कहाँ लगाना है दोस्तों, तो आपको ज्यादा नहीं, आपको 1000 रुपीज के स्टॉक में आसपास ही पैसा लगाना है। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंपनी दोस्तों जो आपको ख़रीदना है उसका नाम है दोस्तों सिंफनी, ठीक है। इसका जो अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है, यहाँ देख सकते हो 1300 के आसपास चल रहा, ठीक है। ये कंपनी ने दोस्तों 10 साल के अंदर लोगों को करोड़पति से भी बड़ा आदमी बना दिया, करोड़पति से। काम क्या करती है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये कंपनी इंगेज है दोस्तों, कूलर बनाती है, ठीक है, जितने भी कूलर बनाती है। अब देखो जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो भी कूलर ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जो बड़े हैं वो और भी अच्छा कूलर ले सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले। अब दोस्तों इस कंपनी ने किया क्या, कंपटीशन को हटा दिया। मतलब एक कंपटीशन होता है ना कि आपने एक दुकान खोली, बगल में भी किसी ने दुकान खोल लिया, तो अब क्या होता है कि आपको जो सेल्स है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, खुद तो एक दुकान खोल लिया और जो बगल में दुकान था उसको ही साइड हटा दिया। अब ये ऐसा कैसे कर सकता है, देखिए दोस्तों एसी होता है थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों, चाहिए क्या कस्टमर को, चाहिए क्या एसी से, ठंडा हवा ही तो चाहिए। इन्होंने क्या किया दोस्तों, कूलर बनाना स्टार्ट किया जो अफोर्डेबल भी है, प्राइस रेंज भी अच्छा है, जो छोटे लोग हैं उनको भी गर्मी लगती है तो वो छोटा कूलर ले लेंगे, जो बड़े लोग हैं जो पैसे वाले हैं उनके लिए जो है बड़ा दिया जाएगा, हिसाब से दिया जाएगा। तो क्या होता है इनमें जो पैसे वाले लोग हैं वो भी आ गए, जो छोटे लोग हैं वो भी आ गए, तो ये क्या दोस्तों सारे कस्टमर को इन्होंने एक साथ ले लिया। अब एसी क्या था दोस्तों, बिजली का बिल भी थोड़ा ज़्यादा आता था और कस्टमर को पैसे भी ज़्यादा लगते थे, तो उसमें क्या किया दोस्तों, उसका जो है मार्केट कैप जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, और इसने दोस्तों आने वाले 10 सालों के अंदर लोगों को करोड़पति बना दिया। सीधी बात, ये स्टॉक जो है 1 रुपये से नीचे ट्रेड किया करता था, लेकिन आज के डेट में ये कंपनी का यहाँ देख सकते हो प्राइस जो है दोस्तों 1300 के रेंज में है। लेकिन आज के डेट भी मैं आपको बोलूँगा कि भाई ऐसे स्टॉक आप खरीद लो, आने वाले दिनों में और भी अच्छा आपको जो है रिटर्न देगा। हालांकि स्टॉक थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन स्टॉक कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो कंपनी है दोस्तों वो है सफारी, ठीक है। ये दोस्तों क्या करती है, लगेज बनाने के काम करती है, ये कंपनी जो है लगेज बनाने के काम करती है, और आने वाले दिनों में दोस्तों ऐसी कंपनी ही ज़्यादा चलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हो सफारी इंडिया का जो प्राइस चला दोस्तों 629, मैं तो बोलूँगा खरीद लो खरीद लो खरीद लो, दम पर खरीद लो जितना भी हो रहा है भाई, एक भी पैसा छूट ना जाए। अगल बगल में फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो इधर भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मैं आपको सब कुछ जो है एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई आप तो बोलते ही जा रहे हो गया, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे बोलना चाहते हैं कि भाई आपने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देखा बता दिया। देखिए एनालिसिस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बैलेंस शीट टैली करना, कंपनी का वैल्यूएशन निकालना, कंपनी जो है पर शेयर कितना अर्न करनी है, सब कुछ फाइंड आउट करना। अगर मैं उतना बता दूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत समझ में ना आए और कन्फ्यूजन भी रह जाएगा, इसलिए जो है पहले सब कुछ देख लिया जाता है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी नई है दोस्तों, अभी पर देख सकते हैं रिटर्न भी बहुत अच्छा दे रहा है, 1 ईयर में 12% दिया है, बैंक को तो फेल कर चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ में भी अभी जो है ये रिटर्न देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसी कंपनी को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। लगेज बनाने वाले आने वाले दिनों में जितना भी है दोस्तों, मॉडर्न जमाना आएगा, मॉडर्न जनरेशन में भी तो ऐसी कंपनी को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नौकरी.com, इन्फो एज, इस कंपनी का तो कंपटीशन ही बहुत कम है,
जैसे कि ISETC, ठीक है, ऐसे कंपटीशन बहुत कम है। मैं तो बोलूँगा 2800 के रेंज में भी मिल रहा है तो भाई खरीद लो। मैं यही तीनों शेयर में आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग SIP करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप पैसा लगा सकते हो। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड पैसा डालो, तब जाके आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा। अनलिमिटेड कुछ लोग ऐसे भी हैं, 50,000 लाते हैं या 1 लाख रुपीज़ लाते हैं मार्केट में, और क्या करते हैं, 10-15 स्टॉक खरीद लेते हैं, किसमें जो है 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे मत करो, आप जो है थोड़े स्टॉक में पैसा लगाओ, लिमिटेड स्टॉक में अनलिमिटेड पैसा, तब जाके आपको पता चलेगा ये स्टॉक ने मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिया, ये स्टॉक में अगर मुझे इतना लॉस भी हुआ है, तो ये दोनों को अगर नेट प्रॉफिट अगर निकालूँ तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा, वो होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंपनी जो है, तीनों कंपनी मैंने छांट के लाया है आप लोगों के लिए, आप जो है इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। जो मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया दोस्तों, टॉप 3 शेयर जो है, अगर आप इसमें जो है 5,000 रुपया का भी SIP करते हैं 5,000 रुपीज़ करके, तो भी आपको इसमें जो है बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें, यहाँ पर दिखाया जा रहा है 25 ईयर्स, आप 10 ईयर्स तक भी करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, बैंक से भी अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बैंक अच्छी नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ आगे अच्छा करना चाहते हो तो आप थोड़ा रिस्क तो ले ही सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, मेरा जो YouTube प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर डेली देख सकते हो, मैं वीडियो बना देता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। एवरी थिंग इज़ अवेलेबल ऑन YouTube, आप YouTube में हर एक चीज़ जो है अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। और आप सारे वीडियोज़ के साथ पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपको कन्फर्मेशन आपको खुद पर खुद मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे पेड सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में हम इससे भी अच्छा और इससे भी जो है और अच्छे प्रॉफिट देने वाले वीडियो हम बना पाए, ठीक है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट देता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो नंबर है हमारा, ये है कॉन्टैक्ट, ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप SMS कर सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। उसके बाद ये जो नंबर है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।